मनरेगा को एक नया रूप देने की आवश्यकता है। आपने सोशल एंटरप्रेन्योर रूरल एंटरप्रेन्योरशिप की बात की, आपने बात की कि किस तरह हम ट्रेडिशनल विजडम है, ट्रेडिशनल नॉलेज है, उसका इस्तेमाल करके एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की इसमें बहुत बड़ी भूमिका होती है, उसमें कई ब्लॉकेजेस भी होते हैं, कई तरीके से उनको उनको इसमें नए अवसर ढूंढने की भी जरूरत होती है, थोड़े कुछ एक्सपेंशन की भी जरूरत है, उसमें सोच में बदलाव की भी जरूरत है। तो आप इसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का कितना बड़ा रोल देखते हैं? देखिए ऐसा है, सरकार के अंदर बहुत सारी कमियां होती हैं, लेकिन अच्छी बात मैं बताऊं कि अब की बार गेहूं की जब फसल कट के आई और आ रही है काफी कुछ जगहों पर, तो सरकार ने प्रोक्योरमेंट में पिछले सालों से पंजाब में भी हुआ ये काम, वेस्ट यूपी में भी हुआ, अप्रत्याशित रूप से उन्होंने वो प्रोक्योरमेंट कर लिया। अब उसको बस और जगह स्टोर करना है क्योंकि उनके पास उतनी जगह नहीं है स्टोर करने के लिए। सरकार अगर ठान लेगी इस बात को कि भाई हमें सीमेंट भिजवाना है, हमें बाकी साधन भिजवाने हैं, जो फैब्रिकेशन में जो ओवरहेड टैंक के लिए रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग के लिए जरूरत पड़ेगी, जिन चीज़ों की हमें पाइप की जरूरत पड़ेगी, तो मुझे नहीं लगता कि वो बहुत बड़ा मुश्किल काम होगा। पब्लिक सेक्टर के एंटरप्राइजेस की भी मदद ली जाएगी और बाकी जो हमारी सेवाएं हैं उनको भी मदद ली जाए। सप्लाई चेन थोड़ी डिस्टर्ब तो हुई हैं लेकिन बहुत जल्दी वो हमारा देश में रेजिलियंस बहुत है। देखिए आप समझिए बात को, ये देश बहुत जल्दी जागता है और ये देश बहुत जल्दी जागेगा, ये मेरा विश्वास है कि ये दिक्कतें जो हैं शायद 15 दिन के अंदर हम लोग हल कर लेंगे जब भी ये शुरुआत होगी। लेकिन ये काम जो है अब की बार हमें बारिश क्योंकि कम होने वाली है, काम हमें ज़्यादा दिन तक चलाना पड़ेगा, काम हमें एक काम की परिभाषा बदलनी पड़ेगी और हमें कोशिश करनी पड़ेगी कि इस साल बारिश की एक बूंद भी ऐसी ना हो जो बह जाए, उसको हमें जहाँ पर गिर रही है वहीं रोकने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो आज हम कोशिश करें कि 100 पहली बार होगा ये, देखिए पिछले 5-10 साल से कभी भी 50 दिन से ज़्यादा रोजगार नहीं मिला, इस साल हम ठान लें 100 नहीं 150 दिन का रोजगार दें और रोजगार को अलग अलग रूप से दें। की पहल भी है कि हम 50 दिन का हम देंगे, 100 दिन का केंद्र सरकार दें। हाँ तो मतलब ऐसा है कि बाकी राज्य भी अगर ये ठान लें तो एक बहुत बड़ी तकलीफ से 1.5 महीने से हमारे मजदूर जो शहरों में थे वो तो बहुत तकलीफ में है, मैं मिलके आ रहा हूँ उनसे आज, बहुत तकलीफ में है बेचारे। अपने देखिए जब कमाते थे तो कुछ पैसा बचा कर घर भेजते थे, अब वो कमाई बंद हो गई, खाली खाने से तो काम नहीं चलता ना, खाना भी एक टाइम मिल पाता है उनको कई बार, तो वो जो कमाई जो भेज रहे थे गाँव में, वो गाँव में कैसे काम चलेगा उनका, उनके बच्चों का, उनके दादा का, उनके माता पिता का। तो हमें ये सोचना चाहिए कहीं ऐसा तो नहीं कि साहूकार की चपेट में आ गए सारे मजदूरों के माता पिता और पत्नी या बच्चे, तो अगले 5 साल की जो उसकी बचत होगी वो साहूकारों की जेब में चली जाएगी। तो मेरा अनुरोध है सरकार से कि एक काम और भी करें कि नाबार्ड की मदद से, बैंक्स की मदद से, जिन्होंने कर्जे लिए भी हैं साहूकारों से, उन कर्जों को बिना ब्याज की दर पर भुगताने की व्यवस्था करें और आप सरकार बैंक से कर्जा दे दें उनको कंजम्पशन लोन के लिए, क्योंकि 2 महीने के अंदर एक गरीब के लिए बिना कमाई के जिंदा रहना बिना कर्जे के असंभव है। 1000 रुपए से खर्चा नहीं चलता एक आदमी का, देखिए आप समझिए बात को, आपने 1000 रुपए तो दिए ना 500-500 करके, 1000 रुपए से खर्चा नहीं चल सकता है। तो एक बहुत बड़ी चिंता मुझे है कि बहुत सारे परिवार साहूकारों की चपेट में आ गए होंगे, मनी लेंडर्स की चपेट में आ गए होंगे क्योंकि उन्होंने घर चलाया अपना। सरकार अगर सही समय पर नहीं कदम लेगी और बैंकों को निर्देश, आज 1000 करोड़ इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड्स को जिंदा रखने के लिए दिया है, 50,000 करोड़ दिया है, 10,000 करोड़ में नहीं दे सकती है लोगों को कर्जा देने के लिए, कैसी बात करते हैं, क्यों नहीं दे सकते? तो कोई भी मजदूर साहूकार के कर्ज के नीचे ना आ जाए, वरना तो उसकी अगले 5 साल की सारी कमाई गई ब्याज के रूप में, असल जब होगा पूरा होगा उसके बच्चे जो है स्कूल नहीं जा पाएंगे, पढ़ नहीं पाएंगे, बहुत बड़ी त्रासदी होगी। तो जितना नुकसान हुआ नहीं उससे ज्यादा होगा। तो मैं समझता हूँ कि काम और काम के साथ साथ कर्ज और कर्ज सरकारी संस्थानों से, ताकि वो कर्ज पर वो साहूकारों की पकड़ से बाहर आएं। हम सबको इन सब समस्याओं के बारे में सोचकर एक विस्तृत योजना बनानी पड़ेगी और क्षेत्रीय जरूरतों के हिसाब से योजना बनानी पड़ेगी और क्षेत्रीय साधन जो अनुपयोगी रह गए हैं उनको उपयोग में लाने की योजना भी बनानी पड़ेगी, तो उनके ऊपर ही उद्यम लगेंगे।